वेलकम टू सैलरी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब गाइज? मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं, क्या वीडियो बनाऊं, क्या आपको व्लॉग में दिखाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड लकीली अभी रिसेंटली मुझे एक हेल्थ केयर ब्रांड का पीआर मिला, तो सोचा कि वो उसकी एक अलग रिव्यू वीडियो तो बनानी ही पड़ेगी मुझे, लेकिन बस उसको एक आपके साथ शेयर कर दूं। बट उससे पहले मैंने कल केक बनाया था। ऑफ कोर्स नवदीप ने मेरी हेल्प की थी, ऑब्वियसली बिकॉज आई एम नॉट गुड एट ऑल इन बेकिंग एंड एवरीथिंग। गाइस सबसे पहले आपको अपना पीआर दिखाने से पहले मैं जस्ट ऐसे शेयर करना चाहती थी कि मैं अभी जस्ट गई थी अर्श की टेनिस क्लास होती है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे नया नया शुगर का स्टोर खुला है मॉल्टन में, तो वहाँ हुआ। हो सकता है कि जैसे शुगर के ऐप से हम खरीदते हैं ना, कि तो ऑफर्स मिलते हैं वहाँ पे, तो उसमें ज़्यादा चॉइसेस नहीं मिलती हैं। तो आई होप्ड कि जैसे नाइका में हमें चॉइसेस मिल जाती हैं ऑन द स्टोर, सेम ऐप वाले ऑफर्स में तो यहाँ भी वैसे ही होगा। बट ऐसा नहीं था, शुगर के स्टोर में आपको उसके ऐप वाले ऑफर्स नहीं मिलते हैं। वेल दिस वॉज वेरी वेरी डिसहार्टनिंग फॉर मी, बिकॉज मैंने काफ़ी होप्स लगा के सोचा था कि एटलीस्ट कुछ नहीं ना, उनकी एक दो रेंजेस न्यू आई हैं, एक वो कॉफ़ी वाली है, एक वो एक्वा वाली है, तो मैंने सोचा था कि चलो कुछ लेके आऊँगी मैं स्किन केयर शुगर का, एंड उसके साथ अच्छे ऑफर्स मिल जाएंगे मुझे। बट नहीं, मुझे ऐप से ही खरीदना पड़ेगा। तो उसके बाद हम लेंसकार्ट भी गए, मैं और गुड्डू थे, हम लेंसकार्ट भी गए, बट वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी एंड इतनी ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी कि वहाँ से हम आ गए, कुछ नहीं लिया। एंड देन वहाँ पे बगल में मिनीसो था, तो मिनीसो से मैंने छोटी सी शॉपिंग की जो मतलब ज़रूरी मुझे लगा ऐसे ही टाइम पास टाइप, क्योंकि 7 बजे तक हमें पहुँचना था और हमारे पास एटलीस्ट 45 मिनट्स थे। तो ये तो मेरे फेवरेट हैं, मिनीसो के सॉफ्ट कॉटन पैड्स, बेस्ट कॉटन पैड्स फॉर मेकअप रिमूवल, बेस्ट है ये। इसका प्राइस अराउंड 150 है, एंड आराम से ये अगर आप नॉर्मल मेकअप करते हो या कभी कभी करते हो, तो आपके तो आराम से 2-3 महीने चल जाएंगे। मेरा एक पैकेट मैक्स टू मैक्स 1 मंथ चलता है, बिकॉज जब मैं वो मेकअप लुक्स करती हूँ तो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं मेरे। नेक्स्ट मैं 2 डियोज भी ली मैंने, इसमें से एक गुड्डू रखेगी एक मैं लूंगी, ये दोनों, एक ये बॉडी मिस्ट है एक ये है, ये मैं देखती हूँ मुझे वहां पे तो अच्छी लगी, ठीक है थोड़ी मीठी मीठी सी है, ओके। एंड देन गुड्डू को हेयर ब्रश चाहिए था, तो उसने ये हेयर ब्रश लिया, एंड मैंने बस ऐसे ही मुझे क्यूट लगे तो मैंने ये ब्रशेस ले लिए, आई ब्रशेस का सेट है ये, दिस वाज अबाउट 260 रुपीज़, आई शेडो ब्रशेस। देखते हैं, मैंने खोले भी नहीं है, खोल के देखते हैं, मुझे बहुत क्यूट दिख रहे थे एक्चुअली, और क्यूट चीज़ें तो फिर लेनी पड़ती है ना। निकल जा, ये रहे, अरे यार ये गम लगी है यहाँ पे, ऐसे कैसे करते हैं लोग, कैसी पैकेजिंग है, मतलब पैकेट के अंदर ना ये सामान, बाद में कस्टमर लेके जाए उसे निकले ना निकले, नो आइडिया, उनको उस चीज़ की फिक्र नहीं होती। स्पेशली जब बर्तन हम खरीदते हैं, आपको पता है उसके अंदर या ऊपर की तरफ नीचे की तरफ स्टिकर्स लगे होते हैं, वो निकलते नहीं, इतने स्टबल स्टिकर्स होते हैं। वेल ब्रशेस तो बहुत अच्छे हैं यार, ये पूरा वैसे ही है जैसा मेरा एक पैक का ब्रश है, एंड वो ब्रश मेरा था 525 का, एंड मुझे 260 में, 260 था हाँ, 260 में 2 मिल गए यार, ऑसम, मैं नेक्स्ट टाइम और लूंगी। एंड ये रहा मेरा वो पीआर का पैकेज जिसमें दवाइयां हैं, ये देख के मेरे बच्चा बोला, अभी मेरा बड़ा वाला बेटा बोला, मम्मा तू बुढ़ी हो गई है, तुझे बुढ़ों वाले मेडिसिन के पीआर मिल रहे हैं। एक्चुअली यस, उसी सॉर्ट ऑफ का है, मैं अभी ब्रांड वगैरह कुछ नहीं बता रही हूँ, मैं बस आपको दिखा रही हूँ।
क्योंकि मुझे इसका एक अलग रिव्यू वीडियो बनानी है प्रॉपर, जो ब्रांड की तरफ से स्पॉन्सर्ड वीडियो जो हम बोलते हैं। बट इसके साथ मुझे और भी फ्रीबीज एक दो तो मिल गए हैं जो मुझे अच्छे लगे, और ये दवाइयाँ काम आए ना आए आगे जाके, बट ये फ्रीबीज जो मुझे मिले हैं ये ज़रूर काम आ जाएंगे। ये मैं आपको दिखा सकती हूँ, मुझे मोहा के एलोवेरा जेल और हर्बल फेस वॉश मिला है। मैं इसकी एक क्विकी वाली शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी इसे यूज़ करके, आई होप कि अच्छी लगे। बाकी ये जो मिला है ये तो दवाइयाँ ही हैं यार, देख लो, टैबलेट है, इम्यूनिटी टैबलेट्स हैं, सिरप्स है, ऑइंटमेंट है, ओह माय गॉड। एंड गाइस, जो लास्ट चीज़ मैं आपको इस व्लॉग में शेयर करना चाहती हूँ वो है मेरा बैकड्रॉप। मेरा बैकड्रॉप लग चुका है, मैंने कुछ रील्स भी बनाई हैं इसके साथ, बट मैं अपने व्लॉग में इसको आपको आपके साथ शेयर करना पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि बीच में एक दो ब्लॉग्स बना, इसमें कुछ और ही टॉपिक था मेरा। तो ये रही मैं, ये रहा मेरा बैकड्रॉप, अमेजिंग लगता है यार, जस्ट हैव अ लुक, बहुत अच्छा लगता है। अभी एक और बैकड्रॉप मैंने सोचा हुआ है, मैं दिखाती हूँ। तो गाइस, ये जो मैंने नीचे अपना गद्दा बिछा रखा है वहाँ पे ये जो डोर आता है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि ये डोर को कवर कर दूँ। तो मैंने मीशो से एक साड़ी परचेज की थी 399 की, तो वो मैंने बस एक रील में पहनी है, हो सकता है एक और रील में पहन लूँ मैं या किसी शॉर्ट वीडियो में पहन लूँ। उसके बाद मैं वो इसको ऐसे मतलब ऐसे फ्लो में जब जो टांगते हैं ना जैसे हम पार्टी वगैरह में, वो ऐसे करके मैं इस डोर को कवर कर दूँगी। तो ये बहुत क्यूट सा थोड़ा प्रिटी सा कॉर्नर ऑफ माई रूम बन जाएगा। एंड वो साड़ी मैं आपको दिखाती हूँ किधर है, अरे मैंने टांगी थी यहाँ पे, हाँ ये रही, ये रही वो साड़ी। कलर बहुत प्रिटी है, बहुत ज़्यादा, ये बटरफ्लाई सी भी बनी हुई है। क्वालिटी इज लाइक ओके इफ यू आर हैविंग अ ग्रेट फिगर, अगर फिगर आपका बहुत अच्छा है तब ऐसी आप नेट की साड़ी पहन के आप कहीं भी जाओगे तो आप अच्छे लगोगे, बट मेरे जैसा मोटा बंदा बंदी नेट की साड़ीज, नेट की ऐसे शीयर साड़ीज पहन के कहीं जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, आई थिंक सो। बाकी पता नहीं यार, एक बात करनी थी मैंने, ये जो कर्वी मॉडल्स इंस्टाग्राम में भरी पड़ी हैं रील्स में, कर्वी डॉल, जस्ट अ कर्वी गर्ल, और पता नहीं क्या क्या, बहुत मोटी हैं वो, आई थिंक सो मेरे से भी बहुत ज़्यादा मोटी हैं, बट उनका ये कॉन्फिडेंस लेवल इज लाइक पता नहीं कहाँ तक है, कितना ऊपर तक जाता है, मुझ में ऐसा क्यों नहीं है, आई फील सो लो व्हेन आई सी माई सेल्फ इन द मिरर, बट स्टिल आई ट्राई टू कैरी माई सेल्फ कि चलो ठीक है, इट्स ओके, धीरे धीरे जाएगा मोटापा, क्या कर सकते हैं। क्या उन इतनी मोटी मोटी मॉडल्स को फील नहीं होता जब वो इतना मतलब छोटे कपड़े भी पहनती हैं और इतनी मोटी भी होती हैं, आई डोंट नो यार, पता नहीं। गाइस, आज डिनर में हमारा प्लान था गोलगप्पे बनाने का, क्योंकि हमें यहाँ पंजाब के गोलगप्पे पसंद नहीं आते, वहाँ का मसाला, यहाँ का मसाला, वो जो आलू वगैरह नहीं अच्छे लगते। हम उड़ीसा के हैं तो हमें वहाँ वाले गोलगप्पों का स्टाइल, जिसको हम गुपचुप बोलते हैं, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बट जब हम घर आके देखा हमने तो आलू ख़त्म हो रखे थे, एंड अब आलू लेने जाने का टाइम नहीं है, तो गोलगप्पों का गुपचुप का प्लान पोस्टपोन हो गया। अब हम वो कल करेंगे गुपचुप पार्टी, एंड मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कैसे बनाते हैं
उड़ीसा वाले राउरकेला फेमस गुपचुप कैसे बनते हैं. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड आई बी बैक टुमारो विद द विथ माय गुपचुप पार्टी. बाय बाय फॉर नाउ एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कुछ बात करनी हो तो कमेंट कर देना. टिल देन बाय बाय.